हाय, आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टाइटल है यूटीबी एक्शन वर्सेस स्टार गोल्ड। तो भैया, बेसिकली मैं इस वीडियो में दोनों चैनल्स को कंपेयर करने वाला हूँ और बताऊँगा कौन सा चैनल है बेस्ट। तो भैया, ये सभी लोग मुझे कहते हैं और सभी लोगों का ये मानना है और सभी लोग ये जानते भी हैं कि जो मार्वल मूवी राइट स्टार गोल्ड खरीदता हूँ उसे बस एक दो बार दिखाता है और उसके बाद नहीं दिखाता। लेकिन यूटीबी एक्शन के पास जिस मूवी के राइट्स होते हैं उसे बार बार लगातार हर बार दिखाते हैं, जिसे आता है मज़ा, लेकिन स्टार गोल्ड ये करने में असमर्थ है, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं। पॉइंट नंबर वन। तो पॉइंट नंबर टू ये है कि भैया, स्टार गोल्ड इतना कंजूसी भरा चैनल है, मतलब इतना बेकार चैनल है। वो मार्वल मूवीज़ के राइट खरीदता भी है तो HD में नहीं खरीदता। भैया ये क्या बात हुई यार, HD में नहीं खरीदोगे तो क्या फ़ायदा? मैंने तो चला ही रखा है स्टार गोल्ड HD, मेरा सिर्फ स्टार गोल्ड तो चलता ही नहीं। जैसे कल रात ही डॉक्टर स्ट्रेंज लगी थी स्टार गोल्ड पर, स्टार गोल्ड HD पर नहीं लगी थी, कंजूसी बनती स्टार गोल्ड की। तीसरा पॉइंट, जो मार्वल मूवीज स्टार गोल्ड पे आएंगी एकदम टट्टी क्वालिटी, एकदम बेकार, कतई बेकार क्वालिटी। शर्ट लगा लो, जो क्वालिटी इन्फिनिटी वॉर की HD में आई थी ना स्टार गोल्ड HD में, उससे ज़्यादा बढ़िया तो UTV एक्शन पे ही आएगी, जो एक SD चैनल है, उससे बढ़िया क्वालिटी। और अगर UTV HD पर इन्फिनिटी वॉर आई तो भैया क्या ही कहने क्वालिटी वाले। अब मैं अब आपको एक और बात बता दूँ, अगर आप अभी तक पैक सेलेक्ट कर रहे हैं तो स्टार गोल्ड और आपके SD है, डिश SD है, तो स्टार गोल्ड तो कतई सेलेक्ट मत करना। स्टार गोल्ड की जगह आप सेलेक्ट करना मूवीज़ ओके, बेस्ट चैनल है, एक तो सस्ता है 1 रुपये में, और जो सब मूवीज़ स्टार गोल्ड पर आती है वही उस पर आती है। 21 अप्रैल को स्टार गोल्ड पर आई इन्फिनिटी वॉर, 24 अप्रैल पर वो आ गई इन्फिनिटी वॉर मूवीज़ ओके पर। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा